हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जायफल बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जायफल एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटीबायोटिक होता है। ये बच्चे के सर्दी, जुखाम, खांसी को तो बहुत जल्दी ठीक करता ही है। इसके अलावा ये और कई बीमारियों में, जो छोटे बच्चों में अक्सर हो जाती हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन जायफल को इसमें बच्चों को देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस किस बीमारी में हम बच्चे को जायफल दे सकते हैं और उसे हमें बच्चे को कैसे देना है ताकि वो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस एज के बच्चे को कितनी क्वांटिटी जायफल की आपको देनी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बच्चे को सर्दी, जुखाम, खांसी है तो हम बच्चे को जायफल कैसे दें। जायफल एंटीबैक्टीरियल होता है और सीजनल इन्फेक्शन को दूर करता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसे खाने से शरीर में गर्मी आती है। खांसी में पीस कर जायफल शहद में मिलाकर बच्चे को खिलाइए, अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है उस केस में। और अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उस केस में जायफल को पीसिए 0 to 6 month के बच्चे के माथे पर और सीने पे जायफल के पेस्ट को लगा दीजिए। ये आपको पानी में पीसना है। और अगर बच्चा 6 month से 12 months के बीच में है तो उस केस में 0.5 ml जायफल बच्चे को खिला दीजिए। नेक्स्ट है, अगर बच्चे को अपच हो रही है, यानी पेट में दर्द हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, तो उस केस में जायफल को पीस कर थोड़े से शहद में मिलाकर या देसी घी में मिलाकर बच्चे के पेट पर और नाभि पे लगा दीजिए। इससे बच्चे के पेट के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट है, अगर बच्चे के मुंह में छाले हो रहे हैं, बच्चे को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में जायफल के पाउडर को मिश्री में मिलाकर बच्चे को खिलाइए। इससे बच्चे के पेट में ठंडक मिलती है और छाले में आराम मिलता है। नेक्स्ट है, अगर बच्चे के कान में दर्द हो रहा है तो उस केस में भी हम बच्चे को जायफल खिला सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होता है। ये बच्चे के कान के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है, अगर बच्चे को भूख नहीं लगती तो उस केस में दूध में जायफल मिलाकर खिलाइए। इससे बच्चे की भूख बढ़ती है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं कि किस एज के बच्चे को आपको कितनी क्वांटिटी जायफल की देनी है। अगर बच्चा 0 to 6 month के बीच में है तो उस केस में आपको बच्चे को जायफल बिल्कुल नहीं खिलाना है, जायफल को एक्सटर्नल अप्लाई करना है। और अगर बच्चा 6 month से 1 year के बीच में है तो उस केस में अगर आप जायफल का पेस्ट बच्चे को दे रहे हैं तो 0.5 ml आपको इसे बच्चे को खिलाना है। और अगर आप पाउडर की फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 चुटकी पाउडर बच्चे को देना है जायफल का। और अगर बच्चा 1 year से बड़ा है तो उस केस में आप 1 ml जायफल के पेस्ट की क्वांटिटी दे सकते हैं और 2 चुटकी जायफल का पाउडर यूज़ करिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक जायफल बच्चे की कितनी सारी बीमारियों में हेल्पफुल होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।